हाय एवरीवन, चलिए हम आपको आज बताते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे किसी भी एप्लीकेशन को कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन शेयर करने का ऑप्शन तो देता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, हम ES फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। ES फाइल एक्सप्लोरर में वो फंक्शन है जो कि हमारे अपने फाइल मैनेजर में नहीं है। हम लोग फाइल मैनेजर से रीनेम तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके एक्सटेंशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी APK फाइल को एक्सटेंशन चेंज करके टेक्स्ट में बदल कर व्हाट्सएप से सेंड करें तो वो सेंड हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि APK फाइल को सेंड करने के लिए उसमें ऑप्शन ही नहीं देता है। यहाँ पर मैं ऐप्स में कुछ फाइल्स रखे हुए हूँ, APK फाइल्स, यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन मैं चेंज करूँगा। सिंपली मुझे इसे रीनेम करना है, ये रहा रीनेम का ऑप्शन। रीनेम में जाने पे हमारा जो फाइल का नेम है ये दिया हुआ है और साथ में .apk, ये .apk हमारे सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट या .txt और इसे ओके कर देंगे, और इसके बाद हमारा जो ये ES फाइल एक्सप्लोरर है ये .txt फाइल में कन्वर्ट हो गया, बल्कि ये सिर्फ दिख रहा है कि टेक्स्ट फाइल है। अब इसे हम शेयर करेंगे, इसे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है। जब यहाँ से शेयर करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप से शेयर करने को शो करेगा। जब हम इसे व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करेंगे तो जिसे भी हम शेयर करना चाहें उसके पास हम सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ग्रुप में सेंड करके दिखाते हैं, ये रहा ग्रुप, हमने इसे सेंड किया। ये हमारे मीडिया फाइल को लोड कर रहा है। और ये रहा हमारा फाइल, ये 12 MB का फाइल है जो कि .txt में दिखा रहा है। अब इसे हम सेंड कर सकते हैं। ये फाइल अगर नेट ऑन रहेगा तो अपलोड हो जाएगी और सभी के पास पहुंच जाएगी। रिसीव करने वाले को सिर्फ इतना ही करना है कि वो ES फाइल एक्सप्लोरर से इस फाइल को ओपन करें, रीनेम करें और .txt की जगह पे .apk लिख दें और उनका काम हो जाएगा, वो फाइल APK में उनके पास डाउनलोड हो जाएगी। थैंक यू गाइस, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना देखिए और नए नए फंक्शंस को ट्राई कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे।